जय हिंद। रसायन विज्ञान की बेसिक सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए उपसहसंयोजी यौगिकों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो हेडिंग लगाएंगे उप सह संयोजी यौगिक, अर्थात को और डी नेट कंपाउंड। तो देखते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होते हैं। तो याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्मों द्वारा ये यौगिक कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्मों के दान द्वारा या इलेक्ट्रॉन युग्म के दान द्वारा। जब इलेक्ट्रॉन युग्म का दान किया जाता है तो एक विशेष प्रकार का बंध आता है जिसे उपसह संयोजी बंध कहते हैं, और इसी बंध के कारण ये यौगिक बनते हैं। तो कौन से इलेक्ट्रॉन युग्म दान किए जाते हैं, तो याद रखेंगे एक टेक्निकल वर्ड है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अब आपके मन में भ्रम आ रहा होगा कि ये कौन सी वाला है, तो याद रखेंगे, ध्यान देंगे, जब कभी भी हम परमाणुओं का क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, किसके आधार पर कर रहे हैं, मान लीजिए कोषों के आधार पर करते हैं, तो कुछ कोष आंतरिक रूप से होते हैं, आंतरिक होते हैं, और सबसे आखिरी वाले को हम बाह्य कोष कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम कोष के आधार पर करते हैं, कोषों के आधार पर, कोष जो है दो तरह के, एक होगा आंतरिक कोष और दूसरा होगा आपका बाह्य कोष। यही बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन ही बंध निर्माण में भाग लेते हैं, अर्थात बाह्य कोष में अष्टक 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और जिसे अष्टक नियम कहा जाएगा, और इसीलिए यौगिक बनते हैं, पीछे डिटेल बताया जा चुका है। तो बाह्य कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं कि बॉन्ड बनाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं कि बॉन्ड बनाते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं, पूरा लिख देते हैं, बंध बनाते हैं, और कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं बंध नहीं बनाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाते हैं उन्हें बंधी इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा, यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, क्या कहेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन बंध नहीं बनाते हैं उन्हें अनाबंधी इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा, क्या कहेंगे, अनाबंधी इलेक्ट्रॉन कहेंगे, यानी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। और इसी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को ही कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, अंग्रेजी में कहेंगे तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो पुनः देखते हैं उपसहसंयोजी यौगिक। उपसहसंयोजी यौगिकों में एक विशेष तरह का बंध पाया जाएगा जिसे उपसहसंयोजी बंध कहा जाएगा। इस बंध के बनने का कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्मों का दान। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट किया जाएगा तब ये बॉन्ड बनते हैं। कहां से कैसे बनेंगे, तो याद रखेंगे जो हमारे परमाणु होते हैं अस्थायी होने के लिए यही बंध बनाते हैं, अणु बनाएंगे फिर यौगिक बन जाएगा।
तो ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम कोषों के आधार पर करते हैं तो कुछ ऐसे कोष मिलेंगे जो आंतरिक कोष कहे जाएंगे और सबसे आखिरी वाला हमारा बाह्य कोष कहा जाएगा। बाह्य कोष में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो बॉन्ड बनाते हैं, बंध बनाते हैं, उन्हें बंधी इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। ठीक बात। फिर अष्टक पूरे हो जाने के बाद भी कुछ इलेक्ट्रॉन खाली पड़े रह जाते हैं जो बंध नहीं बनाते हैं बाह्य कोष में, उन्हें अनाबंधी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है और इन्हीं को ही टेक्निकल नाम दिया गया है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो उपसहसंयोजी यौगिक बनाने के लिए यही इलेक्ट्रॉन काम में आते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कोई बना बनाया सहयौगिक होता है, वो किसी भटकते हुए तत्व के परमाणु को एहसान के रूप में अपना इलेक्ट्रॉन देता है, यानी एहसान टाइप का मामला यहाँ आ जाता है और वह परमाणु भी अस्थायी हो जाता है और आपस में संयुग्मित होकर के एक नया अणु अर्थात यौगिक बनाते हैं, जिसे उपसहसंयोजी यौगिक कहा जाएगा। देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू आगे। मिटा दिया जाए यहां तक। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका अमोनियम। क्या है? अमोनियम, जिसका अणुसूत्र होता है NH4। क्या होता है? NH4। कैसे बना है तो याद रखेंगे, अमोनिया से। अमोनिया जिसका अणुसूत्र होता है NH3, इसी में एक हाइड्रोजन और जब जुड़ जाता है तो बन जाता है आपका NH4 अर्थात अमोनियम। कैसे जुड़ता है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपका NH3 अमोनिया बनता है, यानी एक नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन को रखे हुए रहता है। तो ध्यान देंगे, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5, बाह्य कोष में 5 इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5। हाइड्रोजन के पास एक एक और ये एक। इतनी बात आई होप समझ में आई होगी। अब यहां से अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, हाइड्रोजन का पूरा कराते हैं, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2। नाइट्रोजन के पास 5 खुद के हैं, 3 दूसरे से चाहिए, 1, 2, 3, कुछ इस तरह से बना लेगा। नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, और ये जो है इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए हैं यहाँ पे बॉन्ड नहीं बना रहे कहीं भी। अब ध्यान देंगे, हमने कहा बाह्य कोष के कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्ड बनाएंगे, कौन कौन सा बना रहा है? ये बॉन्ड 5 में से 3 बना रहे हैं, ये 3 क्या हो गए? बंधी हो गए। फिर 2 आगे के नहीं बना रहे, ये क्या हो जाएंगे? अनाबंधी हो जाएंगे। और अनाबंधी इलेक्ट्रॉन को ही जो है कहा जाता है, और याद रखेंगे ये इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में होंगे और यही इलेक्ट्रॉन युग्म का दान किया जाएगा जिससे हमारा यौगिक बनेगा उपसहसंयोजी वाला, और इसी को क्या कहेंगे? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो यहाँ पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ये हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर अमोनिया का होगा, फिर बन जाएगा आपका NH3। ध्यान देंगे, इसी में इसी से इंस्पायर है आपका अमोनियम। अमोनियम का जो ये NH3 से अगला जुड़ने वाला यच है, हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, कुछ इस तरह से इसकी रचना होगी। अपना ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये किसी के ऊपर गवा बैठा है और हाइड्रोजन का प्लस आवारा घूम रहा है। अब इतने में करीब से गुजरा किसके? अमोनिया के इस स्ट्रक्चर के पास से, जिसके पास जो पहले से स्टेबल था और खुद के पास 2 अनाबंधी यानी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था। जैसे देखा इसको नाइट्रोजन ने, कहा तुम्हारी बिरादरी के लोग तो हमारे पास हैं पहले से ही, हमारे लिए काम कर रहे हैं, तुम कहाँ भटक रहे हो, आओ जरा आन मिलते हैं। तो
ये दो इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया जाएगा किसके पास, इस हाइड्रोजन के पास, और स्टाम्प पे लिखा लिया जाएगा भाई लेके भागना मत, जरूरत पड़ेगी तो प्रयोग कर लेना और हमारे साथ जुड़ करके आप अस्थाई हो जाए। तो इस तरह से इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का दान कर दिया गया किसके लिए, इस हाइड्रोजन के लिए, और इस यौगिक के लिए कुछ इस तरह से आपका रिएक्शन एरो टाइप का दर्शाया जाता है कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है दान किया जा रहा है। तो यही वाला हो जाएगा आपका उपसह संयोजी बंध, ये तो सहसंयोजी हो जाएंगे, और इस कारण हम NH4 को कहते हैं उपसहसंयोजी यौगिक।